माही जी, आजकल जो क्रिप्टो करेंसी चल रही है उसमें भी काफ़ी रिस्क होते हैं, लेकिन मेरी जो स्कीम है वो 100% गारंटी रिटर्न है। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपने 10,000 जैन में इन्वेस्ट किए, फरवरी तक आपको 12,000 मिलेंगे 20% रिटर्न के साथ। और मैं आपको साल का भी समझा देती हूँ। 10,000 जैसे आपने इस जनवरी में इन्वेस्ट किए तो अगले जनवरी तक आपके हो जाएंगे 2,40,000 कंपाउंड इंटरेस्ट और बोनस के साथ। क्या 2,40,000? नमस्ते निधि जी। अच्छा, ये 11 मेंबर्स और जोड़ लिए मैंने। पता है। ये लीजिए आपका 52 लाख का चेक। थैंक यू। 52 लाख? सर आपने कितना इन्वेस्ट किया था? जी 2 लाख। अच्छा निधि जी मैं क्या कह रहा था? 52 लाख? नहीं, 52 नहीं, 54 लाख। 2 लाख तो शुरुआत के 6 मंथ में मिल गए थे। अच्छा निधि जी कुछ और भी मेंबर्स हैं तो मैं उनके फॉर्म्स आपको कल सबमिट करता हूँ। श्योर। थैंक यू। वेलकम। तो माही जी अगर आपको ये स्कीम नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको म्यूचुअल फंड्स का समझा दूं। नहीं नियति मैम, ये जो सर ने स्कीम बताई है ना मुझे यही चाहिए। मेरे पास अभी कैश में ये 3 लाख रुपए हैं। चलेगा ना ये? बिल्कुल चलेंगे। ये आपको कितने साल के लिए रखना है? 1 साल के लिए। ओके, तो मैं आपको एक पोस्ट डेटेड चेक बना के दे देती हूँ। ये बन गया आपका चेक। कॉन्ग्रेचुलेशंस माही जी। थैंक यू नियति मैम। आज मेरा रिंकू बहुत खुश हो जाएगा। उसकी मम्मी खानदान की पहली करोड़पति बनेगी। थैंक यू। बावन नहीं 54 लाख। वो 2 लाख तो शुरुआत के 6 मंथ में मिल गए थे। टोटल 37 लाख जमा हुआ है। हमारे दुकान भी बंद कर दी। पैसा लेके भाग गई आगे। क्या हुआ? बन गई खानदान की पहली करोड़पति? रिंकू के पापा, उनका फोन भी बन जा रहा है। चाहती हूँ। बेटा तू जल्दी खुद के काम खुद करेगी। पता है डॉक्टर अंकल ने क्या कहा है? बस 1 महीना और उसके बाद मन्नत चलेगी क्या, दौड़ेगी भी। सच्ची मम्मा? हाँ। और मैं आपके जैसे डांस भी कर पाऊंगी ना? अरे उसके लिए वेट क्यों करना है, वो तो अभी कर सकते हैं। चलो। नेहा मैंने तुम्हारे लिए बात की है। अब एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनवा लो, ठीक है? फिर मैं वो मुंबई के एजेंट को सेंड कर दूंगी। थैंक यू शिप्रा दी। झूठ बोल रही है कमी नहीं। मैंने तुझे बड़ी बहन माना था और तूने क्या किया? What is this behavior पूनम? जाओ जाके कैबिन में बैठो, मैं वहाँ आके बात करती हूँ। क्यों शर्म आ रही है तुम्हें? मैं इन सबके सामने बताऊंगी। सर जी मेरा यकीन मानिए बहुत अच्छी डील है, एकदम डिस्ट्रेस सेल है। और नाम बताइए। 6 BHK विला 1.5 करोड़ में कहाँ मिलेगा? वो तो ठीक है लेकिन 50% एडवांस, वो भी कैश। जी इतना बड़ा अमाउंट कैश में कौन देता है? हाँ मैं करता हूँ इस बारे में मैडम जी से बात, जो भी ऊपर नीचे होता है। लो जी मैडम आ गई। योगेश जी मेरे घर के डील का कुछ हुआ क्या? मैं क्या कह रहा था मैडम, 5 दिन बाद रजिस्ट्रेशन तो हो ही रहा है, तो उसी दिन पैसों का हिसाब किताब भी हो जाएगा और तभी आपको पूरे 75 लाख भी मिल जाएंगे जी। नहीं नहीं योगेश जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मुझे कल के कल ही 50 लाख हॉस्पिटल में जमा करने हैं। मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन है, बहुत लेट हो जाएगा। आप एक काम करिए, आप रहने दीजिए, मैं मेरे चाचा जी को बेच दूंगी। वो कम पैसे देंगे लेकिन मेरे हस्बैंड की जान तो बच जाएगी। नहीं मैडम मैं कुछ करता हूँ। 75 लाख तो अभी मेरे पास नहीं है, 50 लाख है। अभी 50 लाख दे देता हूँ, कल परसों तक मैं बाकी के 25 लाख भी आपको दे दूंगा। चलेगा ना आपको? ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगी। ठीक है, मैं दे देता हूँ। ज्यादा बोलता नहीं है ये। अरे आज इसका पहला दिन है ना, तुम्हें याद है? तुम्हारा जब पहला दिन था मुंह से आवाज नहीं निकली थी, और अब देखो बोलती हो तो चुप ही नहीं होती हो। क्या सर, कहाँ ज्यादा बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बॉस। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फरहान मलिक रिपोर्टिंग। गुड मॉर्निंग फरहान। तुम लोग मिले फरहान से? हाँ मिले ना, सुबह आज ही ज्वाइन किया है। डीएसपी साहब बहुत तारीफ कर रहे थे। मंजू, फरहान को सारी केस फाइल्स हो, तुम एक बार गो थ्रू कर लो। बॉस मैंने ऑलरेडी कर लिया है, बिकॉज मंजू जी ने मुझे मॉर्निंग में ही सारी फाइल दी थी। ग्रेट। बॉस सपोर्ट लाइन पे कॉल आई थी हबीबगंज से। हाँ हाँ, एक डांस टीचर है शिप्रा जायसवाल। 1 2 3 4 3 दिनों से उसे किसी ने देखा नहीं है। पड़ोसी को कॉल आया था, एक टीम मैंने डिस्पैच कर दिया है। हाँ बोलो फरहान। बॉस वो पीसीआर टीम कह रही थी कि ताला तोड़ना पड़ेगा। पड़ोसी कह रहे थे कि शिप्रा के साथ उसकी एक बेटी रहती थी जो चल नहीं सकती। माँ मैं खुद के काम खुद करना चाहती हूँ। रवि। हाँ तुम और फरहान जाके देखो। ठीक है चलो, बाइक की चाबी ले लो। ओके सर। ओए देखो कुमार, अगर ये क्राइम साइट हुआ ना तो किसी चीज को हाथ मत लगाना। चलो सर। अजीब सी स्मेल आ रही है ना? यस सर। तुमर देख, गाड़ी में कोई कटरोट है क्या? यस सर। एक काम करो, पूरा घर चेक करो। ओके सर। यस सर। गहरी सांस लो बेटा, आंखें खोलो। बच्ची के कुछ चोट के निशान तो नहीं? नहीं नहीं बेटा। आपकी मम्मा कहाँ है? मम्मा घर पे नहीं है, वो 3 दिन से घर पे नहीं आई। और बेटा आपके पापा कहाँ हैं? बॉस बॉस ये बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट मिली है अंदर से। इस बच्ची को सेरिब्रल पेल्सी नाम बीमारी है। बच्ची चल फिर नहीं सकती। डॉक्टर ऑपरेशन प्लान कर रहे थे। रवि। हाँ सबसे पहले तो बच्ची की मम्मी की मिसिंग रिपोर्ट लिखो। ठीक है। बेटा मन्नत, आपका कोई और रिश्तेदार है, कोई और रिलेटिव? हाँ मेरे नाना नानी है, पर वो कहाँ रहते हैं मुझे मालूम नहीं। फरहान। यस बॉस। तुम डांस क्लास जाके पता करो। ओके बॉस। रवि। हाँ ये बच्ची 3 दिन से घर के अंदर बंद थी, इसने बाहर किसी को आवाज नहीं दी होगी। आवाज दे रही थी, इन कमरा अंदर है ना, शायद की बात सुन नहीं पाया होगा। इस बच्ची की माँ को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। बॉस किसी भी स्टूडेंट को कोई आइडिया नहीं कि 3 दिन से शिप्रा कहाँ है, और जब से वो गायब हुई है तब से उसने क्लासेस भी कैंसिल किए। उसके हस्बैंड के बारे में भी मालूम नहीं चला। नहीं सर, शिप्रा ने कभी भी अपने हस्बैंड के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। एक काम करो, शिप्रा के रेंट एग्रीमेंट में उसका परमानेंट एड्रेस होगा, वहां जाके पता करो ना। ठीक है, देखते हैं। जानवी, तुझे एक एड्रेस दे रहा हूँ, 1 घंटे में मिलना। मन्नत बेटा, आप ये थोड़ा सा जूस पी लो। हाँ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये बिस्किट खाओ। मन्नत बेटा, मैं क्लासेस जा रही हूँ, ठीक है? दोपहर को आ जाऊंगी। मम्मा, आई लव यू। लव यू टू बेटा। मम्मा मिली क्या? हाँ बेटा, मिल जाएंगी, जल्दी आएंगे आपकी मम्मी आपके पास। ये जानवी दीदी हैं। हाय मन्नत। हाय। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप मुझे बताना। मुझे मेरा स्केचबुक चाहिए। आपके घर पे है? ओके, मैं ले आऊंगी। अच्छा, आपका नाम तो बहुत ही प्यारा है, किसने रखा? मेरी मम्मा ने। मन्नत के मेडिकल पेपर्स में ऑपरेशन की डेट दी हुई है, क्या करूं? मिलना तो पड़ेगा मंजू, हॉस्पिटल में जाके पता करो डॉक्टर से। ठीक है। आओ आओ अजीत सेठ, आओ। ये देखो, वो लाइट का खंबा है ना, वहां से लेकर तीसरा चौथा खंबा और यहाँ तक पूरी हमारे विमल सेठ की जगह है। लोकेशन तो बढ़िया है नंदन भाई, और मेरे ख्याल से शहर से भी 5-7 मिनट की दूरी। हाँ, क्या रेट बोल रहे हो? 1.5 करोड़। नंदन जी, आपने इन्हें हमारे बजट के बारे में बताया नहीं? आप प्रॉपर्टी देखिए अजीत सेठ, बजट हम देख लेंगे ना। प्रॉपर्टी आपको पसंद है, डील पक्की करिए सेठ। थोड़ा आप नीचे उतरिए, थोड़ा आप बढ़ाइए, बस डील पक्की हो जाएगी। बोलो तो कल वकील को अपने ऑफिस में बुलाकर प्रॉपर्टी के पेपर बनवा देता हूँ। चलिए ठीक है, डील पक्की करते हैं। तो फिर हाथ मिलाइए। बहुत बहुत बधाई हो अजीत जी। अरे पेपर बिल्कुल सही है, पेपर में कोई कमी नहीं है। अरे नहीं नहीं नंदन जी, ये देखिए, ये ओल्ड डॉक्यूमेंट्स में 2 जगह प्रीवियस ओनर के साइन मिसिंग हैं, तो लाने होंगे, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग पेपर फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर पाएंगे। और ये एक एनओसी भी लानी है आपको। सर, मन्नत के डॉक्टर ने बताया है कि शिप्रा ने 22 लाख रुपए जमा कराया है मन्नत के ऑपरेशन के लिए। 22 लाख, वो भी कैश? Yes, sir. ये भोपाल जैसे शहर में एक डांस टीचर इतना पैसा कैसे कमा सकती है? ये शिप्रा कोई गलत काम तो नहीं कर रही थी? बॉस, ये है दिशा, शिप्रा जायसवाल की बेटी मन्नत को लेने आई है। मुझे तो ये भी नहीं पता होगा कि दिशा की हालत कितनी खराब है, ड्रग्स करने लगी है वो। तुम्हारा शिप्रा से रिश्ता क्या है? मेरी बेस्ट फ्रेंड है सर, मुंबई हम दोनों साथ ही गए थे। तू मेरी बहन जैसी होके मेरे पीठ पीछे मेरे बॉयफ्रेंड को डेट कर रही थी, इसका बदला ना मैं तेरे से जरूर लूंगी। ऐसा कोई जो शिप्रा को नुकसान पहुंचा सकता हो? नो सर, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। शिप्रा के माँ बाप या उसके पति के बारे में कुछ जानती हो? सर, उसका हस्बैंड नहीं है। वो 18 साल की थी तब मन्नत पैदा हुई, लड़के ने शादी करने से मना कर दिया। ये मुंबई की बात है, उसके माँ बाप ने भी उसे छोड़ दिया। अभी वो शायद गोविंदपुरा रहते हैं। अब नहीं है वो लोग गोविंदपुरा में, गांव शिफ्ट हो गए हैं। ये दिशा मन्नत की कोई ब्लड रिलेटिव नहीं है, इसे हम उसके पास कैसे छोड़ सकते हैं? मन्नत के फिजिकल इश्यूज भी तो हैं। मुझे लगता है कि दिशा उसके अच्छे से देखरेख कर सकती है। हाँ सर, वैसे भी वो एनजीओ वाली मैडम बार बार कह रही थी कि मन्नत कब तक रहेगी वहाँ। एक काम करो मंजू, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो और मन्नत से मिलते रहना। यस सर। माता जी आ गई, माता जी की माता जी की, 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 माता जी की। शिप्रा के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर मिला है जिसके साथ वो लगातार टच में थी। पिछले साल अगस्त सितंबर में उसने इस नंबर पे कई बार बातचीत किया है, लेकिन अभी ये नंबर ना स्विच ऑफ है। किसके नाम पर रजिस्टर्ड है ये नंबर? प्रताप आडवा के नाम से, इंदौर का नंबर है। इसी प्रताप आडवा से पिछले साल सितंबर महीने में शिप्रा ने जमीन खरीदी थी 50 लाख रुपए में। 50 लाख में जमीन? हाँ। और 22 लाख रुपए हॉस्पिटल में कैश पेमेंट। ये शिप्रा की कोई लॉटरी वॉटरी निकली थी क्या? मालूम नहीं। रवि, हाँ, एक चक्कर इंदौर का लगाना पड़ेगा। मैं बात करता हूँ। ओके। मैंने आसपास पूछा, लोगों ने बताया कि प्रताप अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था। आखिरी बार 1 साल पहले देखा गया था, उसके बाद से लापता है। क्या? तो शिप्रा बात किससे करती थी? यार, प्रताप की सारी डिटेल्स निकलवाओ। इसकी पत्नी और बेटा कहाँ है? प्रताप के गायब होने के 1 हफ्ते बाद ही वो यहाँ से शिफ्ट हो गए। यार रवि, एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर प्रताप 1 साल से गायब है तो उसने 5 महीने पहले शिप्रा को जमीन कैसे बेच दी? जमीन के पेपर्स निकलवाओ जरा, और ये प्रताप की फैमिली को ट्रैक करो। ठीक है। वाओ मन्नत, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। ये लीजिए प्रॉपर्टी के कागज, एकदम ऑफिशियली रेडी। अब प्रॉपर्टी आपकी हुई, मुबारक हो। वैसे आखिर सब निपट ही गया? हाँ हाँ, करवा दी साइन। अजीत भाई, मैं खुद शिप्रा जी के घर जाकर ये सिग्नेचर करा कर लाया हूँ। नंदन जी, हम जानते हैं एक बार आपके हाथ में कोई काम दे दिया आप उसको पूरा ही कर देते हैं। बस, वो प्रताप की वाइफ से बात हुई, वो भोपाल आ रही है बात करने के लिए। वो भोपाल आ रही है? मुझे लगा कि हमें जाना पड़ेगा, बड़े घर के लोग हैं, टेंट्रम बहुत होते हैं इन लोगों के। शिप्रा ने जो जमीन प्रताप से खरीदी थी, 2 महीने पहले वो जमीन उसने बिमल को बेच दी, और कल वो जमीन बिमल से आगे बेची गई, जिसमें शिप्रा ने परसों एक एनओसी दी है। परसों? प्रताप? मैं किसी प्रताप को नहीं जानता। मेरी तो बात शिप्रा जी से हुई थी, उन्हीं से मैंने 80 लाख में जमीन खरीदी थी। विमल, शिप्रा के बैंक स्टेटमेंट में 80 लाख की कहीं भी ट्रांजैक्शन नहीं है। एक्चुअली शिप्रा को कैश चाहिए था अर्जेंट बेसिस पर, तो मैंने सारे पैसे कैश ही दिए। लेकिन आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर मैं उसको कैश ना देता तो मेरे नाम पे जमीन थोड़ी ना करती। उसके बाद तुमने जमीन किसी और को बेचने के लिए शिप्रा के साइन लिए, उसकी एनओसी ली, अभी 3 दिन पहले। देख विमल, ऐसा है कि हमें शिप्रा मिल नहीं रही, और तू यहाँ पर सिर्फ इसलिए है ताकि हमें बता सके कि शिप्रा है कहाँ। एक्चुअली शिप्रा के 2-3 सिग्नेचर बचे हुए थे, और मैंने उसको कई बार कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, और मैंने दूसरी पार्टी से एडवांस उठा लिया था। तो सर, मैंने खुद ही उसके जाली सिग्नेचर मार दिए। सॉरी सर, गलती हो गई, दोबारा नहीं करूँगा। गलत हमारे साथ हुआ था, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया। देखो दिशा, जो होना था सो हो गया, लेकिन तुम अब प्लीज़ कुछ ऐसा मत करना जिसके वजह से पुलिस का ध्यान हम पर आ जाए। हम कोशिश करेंगे कि कुछ गलत ना हो। मैम, अब रेडी है, आ जाइए प्लीज। हाँ, आई। रेडी, चलो फॉलो करो। एक्सक्यूज मी, अभिषेक शर्मा होंगे? चलिए। हाय, आई एम संगीता वाधवा, प्रताप की बीवी। आइए बैठिए। ऋतिक, एसी नहीं है क्या यहाँ पे? एसी नहीं है तो पंखा तेज कर दीजिए। इट्स टू हॉट हेयर। उफ। जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? आपके पति प्रताप वाधवा 1 साल से गायब हैं। आपने उन्हें ढूंढा नहीं? ऑफ कोर्स ढूंढा, कॉल भी किया, उन्होंने पिक ही नहीं किया। फिर उसके बाद उनका फोन भी बंद हो गया तो हमने ढूंढना बंद कर दिया। क्यों? अब जिंदगी में और भी काम है हमें, और वैसे भी उसके चक्कर में अपनी इमेज नहीं बर्बाद कर सकती मैं। मतलब? ये क्या मजाक है प्रताप? मजाक नहीं है संगीता, ये मैं। अब तुम्हें मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा। अगर यही सब करना है तो निकलो यहाँ से। मेरिस करके रख दी है। मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। ना मैं जाऊँगा और ना ही तुम दोनों जाओगे। संगीता, सब ठीक हो जाएगा। सब समय का खेल है, टाइमिंग। समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा। हम एक परिवार है संगीता। और इसके 1 हफ्ते बाद वो गायब। शायद उनका सही समय आ गया था, या व्हाट ही सेज, टाइमिंग। तुमने अपने पापा को ढूंढने की कोशिश नहीं की? क्यों ढूंढूं? बहकी बातें करते थे वो। जीवन में सिर्फ 2 ही चीजें काम आती हैं बेटा ऋतिक, एक अच्छे कर्म और दूसरा प्रायश्चित। अभी तुम अपना जीवन जिस तरह से व्यतीत कर रहे हो, ये सिर्फ समय की बर्बादी है बेटा, और कुछ नहीं। डैड, मूड की ना माँ बहन मत करो, और ऐसे कपड़े पहन के घूमना ना बंद करो आप। सिर्फ 2 ही महीने की बात है, उसके बाद देखना तुम्हारा अपना स्वयं का मन इन सांसारिक वस्तुओं से विमुख हो जाएगा। तुम भी सत्य की राह पर चलोगे बेटा। अच्छा, हमने आपको जितना बताना था बता दिया, अब आगे आप ढूंढ लो, हम चलते हैं। लेट्स गो मॉम। चलो। मॉम, क्या मिला यहाँ आकर? ऋतिक, तू नहीं समझेगा। अगर हम नहीं आते तो ये लोग हमारे घर आ जाते। बैठ गाड़ी में। हो ना हो, प्रताप और शिप्रा की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि दोनों की कहानी में ये दोनों लापता है, और इन दोनों की जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है जो इनके गायब होने पे इन्हें ढूंढ रहा। सर, ये शिप्रा यहाँ भोपाल से लड़कियों को मुंबई भेजा करती थी, फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने के बहाने। मैंने तुम्हारे लिए बात की है, अब एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनवा लो, ठीक है? फिर मैं वो मुंबई के एजेंट को सेंड कर दूंगी। इसके लिए वो पैसा भी चार्ज करती थी। ये सारी लड़कियाँ जिनके साथ गलत हुआ है, वो सब शिप्रा से नफरत करती हैं। शिप्रा की एब्सेंस में डांस क्लास कौन चला रहा था? पूनम। सर, शिप्रा के जाने के बाद उसका जमा बिजनेस इस पूनम ने हड़प लिया, जैसा नेहा ने बताया। तुम बड़े हो गए हो, समझदार बनो, जिम्मेदार बनो, लेकिन मेरे जैसा नहीं बनना, क्योंकि मैं शायद कमजोर हूं। पापा, हाँ रवि, एकदम अर्ली मॉर्निंग कॉल आया था। यहाँ के गाँव वालों ने बताया कि यहाँ पे एक लाश मिली। प्रताप का एक जिगरी दोस्त है शेट्टी, अथर होटल का मालिक है। उसने बताया कि 1.5 साल पहले प्रताप रंगीन इंसान था। उसने एक अलग से घर भी ले रखा है, मैं उसे भी देखकर आता हूँ। हाँ ठीक है, तुम लोग जाकर चेक करो। प्रताप के घर से कोई कैश मिला क्या? नहीं, कैश तो नहीं मिला है, ये पिक्चर्स लाया हूँ, प्रताप के घर के हैं। ये खाना कुछ ज्यादा पुराना नहीं लग रहा है, इसका मतलब प्रताप 1 साल से अपने दूसरे घर में छिपा हुआ था। पर क्यों? और ये चेक संत देवगुरु चैरिटेबल ट्रस्ट। सर ये ट्रस्ट एक आध्यात्मिक बाबा के नाम पे है। ये देखिए, ये उसके अलमीरा में बना हुआ था। ये जूते किसके? ये जूते प्रताप के घर से मिले हैं। इसमें ये मिट्टी लगी हुई है। फरहान, यस, तुरंत फोरेंसिक के पास भेजो। yes. 11 मिलियन फॉलोअर्स, बहुत फेमस है। तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है और इस शक्ति को आप आपके अंदर के द्वेष से मार सकते हैं, लेकिन उस इन्फिनिटी यानी अनंत चक्र को तोड़ना भी आपके ही वश में है। उस पीड़ा से निकलने के लिए इच्छा शक्ति और दृढ़ता चाहिए। हम सब अपने पिता का बोझ हो रहे हैं। Sins of the fathers should not be the sons who bear। बाबा बाबा छोड़ के मत जा बाबा। एक डोर हमें हमेशा पीछे खींचती है, थोड़ा मुश्किल लगता है, पर ऐसा है नहीं, बहुत आसान है। हमें सबको लगता है कि हम अपने अतीत को भूलकर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। क्या सुन रहे? आज पिताजी की बरसी है, 22 फरवरी। आज से 20 साल पहले ठीक इसी तारीख को पिताजी घर छोड़कर हम सबको छोड़कर चले गए थे। तब से इस तारीख को उनकी डेथ एनिवर्सरी मानता हूँ। लेकिन तुमने पहले कभी नहीं बताया इस बारे में। मैं समझ सकती हूँ, इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, लेकिन ऐसे कब तक? सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इतना मुश्किल होता नहीं है। ये बहुत आसान है, बहुत आसान। माता जी की जय। अगला नंबर आप लोगों का है। आपके अंदर एक डर है, क्यों है वो डर? मैं 17 साल का था। मेरे पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए और उनके जाने के दुख से मेरी माँ गुजर गई। और आपको लगता है कि हर कोई आपको छोड़ के चला जाएगा। ये डर हर मनुष्य का सबसे बड़ा डर होता है, और इसी डर की वजह से हम इंसान गलतियाँ कर बैठते हैं। मैंने भी जिंदगी में बहुत गलतियाँ की। मतलब ही होना इंसान की प्रवृत्ति है, मगर जब सही रास्ता दिखता है तब एक प्रकाश आंखों के सामने आ जाता है और तब सब साफ हो जाता है। और अगर सिर्फ बातों से ही आपका ये डर चला जाता तो आप किसी मनोविज्ञानी के पास नहीं चले जाते। ये डर सिर्फ पूजा करके ही जा सकता है। बाबा जी, आप तो बस जल्द से जल्द हमारी समस्या का निवारण कर दीजिए। आप ये बताइए कि पूजा कब करनी है? देखिए, ये पूजा करना सबके बस की बात नहीं है। इसको करवाने में खर्चा तकरीबन 5 लाख तक आएगा। 5 लाख? हाँ हाँ, तो हो जाएगा ना। हमारे गांव में एक छोटी सी जमीन है, उसे हम बेच देंगे। क्या ये जमीन दोनों के नाम है? हाँ हाँ। फिर उस जमीन की एक फोटो और कागज भी ले आइएगा। क्यों? जब पति पत्नी कोई जमीन खरीदते हैं तो ये उनकी समृद्धि का साधन होता है, इसे भी पूजा में रखिएगा। ओरिजिनल जरूरी नहीं है, जेरोक्स भी चलेगा, बस साथ में दोनों का नाम होना चाहिए। जी। सर, हाँ, इसके बारे में पता लगा है क्या? हाँ। जयकारा माता जी का, बोल माता जी की, माता जी की, माता जी की, बाबा जी की, बाबा जी की। क्या बेवकूफ बना रहे हैं सर ये दोनों, और लोग बन भी रहे हैं। मंजू, कई बार जिंदगी में खालीपन को खत्म करने की आशा इंसान को कुछ भी करवा देती है सर, लेकिन इन दोनों को पकड़ना मुश्किल होगा। हाँ, अगर बिना सबूत के इन दोनों को हम पूछताछ में उठाते भी हैं तो थाने पहुंचने से पहले इन दोनों के छूटने का ऑर्डर पहुंचाएंगे। सर, उस गली में 2 CCTV कैमरे हैं, मैंने फुटेज के लिए बोल दिया। ये 5 लाख की एफडी को तोड़ने में कितना टाइम लगेगा? पेनल्टी हो तो जाएगा ना? हाँ, थोड़ा जल्दी चाहिए। हाँ ठीक। भैया आप, ये क्या है कबर्ड का फोटो? ये एक बाबा के आश्रम का सिंबल है। क्यों? ऐसा सिंबल तो मन्नत ने भी अपनी स्केचबुक में बनाया था। इनका असली नाम योगेश और नियति बनर्जी है। रियल लाइफ बंटी बबली। पर 3 साल से ओपनली ज्ञान बांट रहे हैं, फिर पकड़े क्यों नहीं गए? 12 फ्रॉड केस में से 2 केस में पकड़े गए थे, बेल पे बाहर। इनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले। ये लो सर, इन पर पुलिस केस चल रहा है और लोग इन्हें इतना फॉलो कर रहे हैं। रवि, फरहान, यस बॉस, नियति और योगेश की सारी मूवमेंट्स ट्रैक करो अब भी। ठीक है। मंजू। यस सर। परसों की पूजा फिक्स कराओ। ओके सर। हम सब अपने पिता का बोझ ढो रहे हैं। मंजू, ये पूजा वाली जगह का एड्रेस कहाँ का है? शहर के बाहर का एड्रेस है, एक जंगल के पास। मंजू, एक काम करो, रवि और फरहान को बोलो कि 10 किलोमीटर के रेडियस में अच्छे से सर्च करें, कुछ छूटना नहीं चाहिए, और अपनी लाइव लोकेशन भेजो, और स्पेशली बोल देना कि वहाँ कोई ना आए जहाँ पे हम जा रहे हैं। ओके सर। मंजू जल्दी करो, लेट हो रहा है। यस सर। 7:30 बजे का टाइम था। अजी चलिए ना। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम माता जी। बाबा जी, 5 लाख रुपए आपने मंगवाए, यहाँ रखिए। प्रॉपर्टीज के पेपर्स इसी में है। चलिए, अभी सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, सभी मंत्र का जाप करेंगे। सर्व रक्षा सर्व शांति, सर्व शांति सर्व रक्षा। सर्व रक्षा सर्व शांति, सर्व शांति सर्व रक्षा, सर्व रक्षा सर्व शांति। सर्व रक्षा सर्व शांति, सर्व शांति सर्व रक्षा, सर्व रक्षा सर्व शांति, सर्व शांति सर्व रक्षा। रोशन, दो हफ्ते बाद फिर से एक पूजा होगी, आपको आना होगा। बाबा जी, आगे भी पैसे देने होंगे क्या? नहीं। अब आप जा सकते हैं। एक सेकंड महाशय। हेलो, बाबा जी की जय हो, माता जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। तेरा सारा सत्संग अब जेल में पूरा करना। चल चल चल। पर हमने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। हमें तो उस परमात्मा ने भेजा है एक जरिया बना के लोगों की मदद करने के लिए। तुम दोनों की फोटोज बहुत से लोगों ने पहचान ली है। जिन जिन के साथ तुमने फ्रॉड किया था उन सब का स्टेटमेंट है हमारे पास। देखिए सर, वो किसी और जन्म की बात थी और ये मेरा दूसरा जन्म है। अब उस जन्म का इस जन्म से क्या लेना देना। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। थोड़ी देर के लिए तो मैं भी बहकावे में आ गया था तुम्हारी इस बातों में। इसमें तेरी पूरी जन्म कुंडली है, समझा? तेरे इसी जन्म का कांड है इसमें। श्रद्धा तुम्हारी ही भक्त है ना, उसने पुलिस कंप्लेंट की है तुम्हारे खिलाफ। वो बाबा, वो मेरे साथ गंदी चीजें करते हैं। बेल तो मिलने से रही, लड़की माइनर है और प्राइमरी विटनेस भी। और शिप्रा का भी रेप तूने किया है ना? नहीं सर, ये झूठ है। इसमें रेप कंफर्म हुआ है। तेरा सैंपल भी ले लेंगे। श्रद्धा के साथ तो मैच हो गई, डेफिनेटली शिप्रा के साथ भी मैच हो जाएगा। चल बता, क्यों मारा शिप्रा को? सर मैंने नहीं मारा सर, मैं तो उस शिप्रा को जानता भी नहीं। पूनम शर्मा, इसे पहचानती हो? ये वो मुंबई का एजेंट है जिसने मुझे डायरेक्टर के पास भेजा था। और दिशा परिहार जैसी ही और लड़कियों ने तुझे पहचान लिया है। वो 3 साल पहले तू ही था ना एजेंट, जो शिप्रा की डांस क्लास की लड़कियों का कास्टिंग काउच करवाता था मुंबई में। शिप्रा को तेरे आश्रम में 2-3 बार देखा जा चुका है। बता। मैं और ये काम नहीं करूंगी। मुझे मेरे बाकी के पैसे वापस दे दो and I'm out of this। फिर हमने शिप्रा से 50 लाख में प्रताप की जमीन खरीदवाई। शिप्रा जी, जमीन तो मुझे पसंद आई, अच्छी है। तो फिर प्रताप जी डील डन समझे? डन। और वही 50 लाख पूजा के नाम पर हमने प्रताप से ले लिए। फिर उसी जमीन को 80 लाख में बेचने का झांसा हमने शिप्रा को दिया और फेक बेयर विमल को खड़ा कर दिया। पर हमने शिप्रा को सिर्फ 22 लाख दिए और फिर वो जमीन आगे 1.5 करोड़ में बेच दी। ये आपके पैसे योगेश के घर से मिले हैं। पता नहीं और कितने लोगों को ठगा होगा इन दोनों ने। शिप्रा एक अच्छी फैमिली से थी, लेकिन उसकी फैमिली वालों ने उसका साथ नहीं दिया। समाज के दखियानुसी ख्यालों में फंस के रह गए वो लोग। अगर उसकी फैमिली वाले उसका साथ देते तो आज मन्नत अनाथ नहीं होती। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.